गुड इवनिंग दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे हुमायूं का टूम का ब्लॉग। ये ब्लॉग मैंने संडे को 13 तारीख को बनाया था, लेकिन मैं आज इसको अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको एडिटिंग में बहुत मेहनत की है। बहुत टाइम लग गया है मुझे, लगभग हर दो या ढाई घंटे प्रतिदिन मैं देता था। दो तीन दिन में जाके ये वीडियो अभी कम्प्लीट हुई है। तो प्लीज़ वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे भी मैं इसी तरह से वीडियो लाता रहूँगा और वीडियो को जो है ना शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आइए चलते हुमायूं का टूम। ये ऑनलाइन टिकट परचेज का बोर्ड है, यहाँ से आप 35 रुपीज़ का टिकट जो है ना ऑनलाइन परचेज करेंगे। इस समय हम आ चुके हैं हुमायूं के मकबरे के अंदर। हमने टिकट ले लिया है, यहाँ से एंट्री करेंगे। थोड़ी थोड़ी झलक देख सकते हैं। काफी दूर दूर से लोग आ रहे हैं, बहुत अच्छा नजारा लग रहा है। वाओ, ब्यूटीफुल। ये दूसरे वाले गेट पे हम लोग आ चुके हैं। इस समय हम आके मकबरा बहुत अच्छा है। आ जा, दूसरे गेट से एंट्री ले रहे हैं, बहुत अच्छा। पुरातत्व विभाग की ओर से है बुक्स। हम भी ब्लॉगिंग कर रहे हैं। ये आ गए हम हुमायूं के टूम पे। ये हुमायूं का टूम दिल्ली की हजरत निजामुद्दीन में स्थित। हुमायूं का मकबरा, जिसका निर्माण 1558 में मुगल एम्पायर द्वारा, ये लाल पत्थरों से बना हुआ है। मैं आपको एक बात बताऊं, जो हुमायूं का मकबरा, इसी को देखकर, इसी से प्रेरित होकर शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। और ताजमहल जो है वो संगमरमर यानी कि मार्बल्स के बने हुए थे, और ये लाल पत्थर तो बहुत ही अद्भुत है। और आपको ये जानकारी के लिए बता दूँ, और ये विश्व धरोहर में आता है, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट। हाय गाइस, आज हम आए हैं हुमायूं का मकबरा में, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इस समय हम खड़े हैं। दिल्ली की निजामुद्दीन में स्थित है। भारत में ऐसे बहुत विश्व धरोहर स्थल हैं, जैसे कि लाल किला है, कुतुब मीनार है, और हुमायूं का मकबरा। दिल्ली में सिर्फ तीन ही हैं। इनका नाम मैं आपको बता देता हूँ, जो विश्व धरोहर स्थल में आते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वो है आपके हुमायूं टूम, दिल्ली का लाल किला और कुतुब मीनार। और उत्तर प्रदेश में इसी तरह से तीन है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, आगरा का ताजमहल, आगरा का लाल किला और फतेहपुर सीकरी। ऐसे बहुत है, आप विकिपीडिया कर सकते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यानी विश्व धरोहर स्थल। ऊपर चलते हैं, फिर आपको ऊपर का दिखाता हूँ क्या है। चलिए ऊपर चलते हैं। ऊपर से चल रहा हूँ। हेलो, थक गया मैं। बड़ी चट्टान की तरह है, काफ़ी अच्छा धूप है। टिकट के लिए बहुत परेशानी हो रही थी क्योंकि ऑनलाइन टिकट है, सबको पेटीएम से पे करना पड़ता है, हर किसी के पास पेटीएम है नहीं, तो इसलिए बहुत से लोगों ने मेरे से हेल्प मांगी, तो मैंने उनकी मदद की टिकटिंग के लिए। मैंने अपने अकाउंट से उनको टिकट दिलाया और उन्होंने बदले में मुझसे बहुत सारा थैंक यू दिया। बस यही चाहिए और क्या चाहिए। लॉकडाउन के बाद यहाँ पे ऐसा सिस्टम कर दिया गया है, तो आप टिकट जो है ना फिजिकली टिकट नहीं कर सकते, आपको टिकटिंग के लिए ऑनलाइन का ही सहारा लेना पड़ेगा। यहाँ पर आके आप स्कैनिंग कर सकते हैं, या डायरेक्ट गूगल में जाके आप टिकट्स की प्रिंट को डाउनलोड करके फिर आपको स्कैन करके अंदर एंट्री मिलेगी। वैसे आपके एंट्री नहीं मिलेगी। आपको जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पर आपको कोई भी एक आईडी लेके ज़रूर आइएगा। शी इज़ माई डॉटर, आई केम हेयर अलोंग विद माई डॉटर एंड विद माई, ओके माय डियर, कम टू मी एंड फॉलो। टिकट आपको ऑनलाइन लेना पड़ेगा, बिना ऑनलाइन के टिकट आप नहीं आ सकते हैं।
क्योंकि यहाँ पर टिकट के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। मेरा जो है ना पूरा का पूरा एक घंटा टिकटिंग में ख़राब हो गया, नहीं तो अब तक मैं यहाँ से निकल चुका होता, कहीं दूसरे टूरिज्म प्लेस में जाके घूम रहा होता। चलिए आइए, चलो वहाँ बैठेंगे, वहाँ बैठ कर कैमरे को जो है ना हम स्टैंडिंग मोड पर रखेंगे। देखो हमने कहा खड़े होकर बहुत वीडियो बना लिए, थोड़ा बैठ के बना लेते हैं, थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगी। तो ऊपर ही बैठा हुआ हूँ, थोड़ा आराम आराम करके फिर नीचे बगीचे में घूमेंगे, थोड़ा गार्डन से चारों तरफ गार्डन जो है वो मैं आपको दिखाऊँ। काफ़ी अच्छा भीड़ है आज, काफ़ी अच्छा भीड़ है, तो मैं आपको कहूँगा आप ज़रूर आइए यहाँ पर एक बार। तो धूप अच्छी खिली हुई है, आसमान नीला नीला है, मौसम काफ़ी सुहाना है, पोल्यूशन तो बिल्कुल ही नहीं है इस समय, जैसे आपको पता है दिल्ली में काफ़ी पोल्यूशन है। चलते हैं फिर, थोड़ा अंदर दिखाता है क्या है। टूरिज़्म का मेरा बचपन से बहुत ज़्यादा शौक रहा है, जब भी मैं बचपन में जब मैं सात आठ साल का था तो हमारे पिताजी न्यूज़पेपर पढ़ा करते थे, तो न्यूज़पेपर में हमारे पिताजी न्यूज़ पढ़ते थे, लेकिन जो अंदर का जो कॉलम होता था ना टूरिज़्म का जो वहाँ पर हर वीक सप्ताह में एक बार जो है ना कॉलम आता था टूरिज़्म का हर टूरिस्टों के लिए, तो मैं उसी कॉलम को पढ़ता था, आनंद बाजार पत्रिका। मुझे अभी भी नहीं, फोटोग्राफी के लिए बोल रहे हैं। थैंक यू सर। चलिए अब अंदर चलते हैं, अब अंदर चलते हैं ना, अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ क्या है कि नहीं। अंधेरा हो रहा, मास्क उतार दिया क्योंकि बोला नहीं जा रहा था, बिना मास्क के साथ अच्छा नहीं लगता। हुमायूं की समाधि यहीं पर है, जो मेन समाधि है वो नीचे है, तो ये ऊपर का नज़ारा है, मेन जो उनको दफनाया गया था वो नीचे दफनाया गया था, तो यहाँ पर इसके अलावा यहाँ पर 100 समाधि और हैं इसी में, इसी जगह पे, इसी मतलब मेरे कहने का मतलब है इसी हुमायूं के टूम में 100 कब्रें और हैं जो उनके वंशज हैं, उनको इसी में दफनाया गया है, इसी टूम में दफनाया गया है, और ये हुमायूं का जो है ना समाधि है। लाइट्स वगैरह यहाँ पे कुछ नहीं है। चलो अब एग्जिट करते हैं। तो ये और भी कब्रें हैं जो मैंने आपको बताया था, इधर क्या है, ये उनके जो वंशज है, जो मुगल है, मुगल शासक, उनके कब्रें हैं, लेकिन मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है ये किनके कब्रें हैं, इसके लिए मुझे विकिपीडिया में सर्च करना पड़ेगा। ये कब्र है क्या? कब्र है। आ जा बेटा, इस तरफ भी कब्रें हैं, इस तरफ भी कब्रें हैं। वीडियो कर बंद कर, अभी से तो चलो बाहर चलते हैं। हाँ, बाहर चल के वीडियो बनाएंगे। यहाँ पे भी कब्रें हैं, ये कब्रें हुमायूं के कब्रें के अलावा और भी बहुत कब्रें हैं यहाँ पे, बहुत कब्रें हैं। तुम ही कैमरा सामने एक्टिविटी और क्लिप जानो ऐड होए आयो, तुम ही आयो। एंगल अच्छा आ रहा होगा, पीछे का बैकग्राउंड काफी अच्छा आ रहा होगा, तो मैंने सोचा यहाँ पे थोड़ी बैठ के वीडियोग्राफी कर लेते हैं, वीडियो शूटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे आने के बाद थोड़ा एक रिलैक्स फील होता है, कामकाज वाली दुनिया से थोड़ा ऐसा लगता है कि हाँ सुकून भरी लाइफ है, बहुत ही अच्छा फील होता है यहाँ पे आने के बाद, क्योंकि आसपास का नज़ारा भी काफ़ी अच्छा है, ग्रीनरी है। यहाँ पे जगह जगह बेंचेस लगे हुए, वहाँ पर बैठ के आप आराम कर सकते हैं।
और एक ख़ास बात आपको बताऊँ जो बहुत स्ट्रेंज मुझे लगा, स्ट्रेंज क्या, अच्छा लगा मुझे कि यहाँ पर जो है ना मौसमी का पेड़ भी है, वही मौसमी जो हम जूस पीते हैं। आइए हम आपको मौसमी का पेड़ दिखाते हैं। ये है, ये है, ये है, और उधर भी दिखाते हैं। आइए ये देखिए, इधर हमारा हुमायूं का टूम है और यहाँ पे देखिए मौसमी का पेड़ इधर भी है। आइए इधर दिखाता हूँ, तोड़ना अलाउड नहीं है लेकिन आप देख सकते हैं बहुत है। इधर देखिए, इधर देखिए। हाय गाइस, जाते हैं मौसमी का पेड़, आपको खाना है तो आप यहाँ पे आ जाइए, हुमायूं का मकबरा। उधर भी है, यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है, सब जगह है। आइए नीचे गिरा भी तो पड़ा हुआ है, हैं? चलो 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 मौसमी का पेड़ दिखाओ। चलो मैं मौसमी का पेड़ दिखाऊंगा। कहाँ पे? ये है मौसमी की पेड़। हाँ। मत खाना यहाँ पे, नहीं अलाउड है। चलिए आगे दिखाते हैं हम आपको। आइए आइए मेरे साथ आइए, अच्छी ब्लॉगिंग कर रहे हैं। प्रोफेशनल ब्लॉगर बन रहे हो शायद आप। नहीं दिखाएगा, तुम दिखो, दिखाओ, वीडियो चल रहा है। देखिए ये अलग कलर है, ये अमरूद लग रहे हैं, ये बहुत सारे हैं, दिखाते दिखाते रात हो जाएगी इसलिए हम नहीं दिखाएंगे अब। हमें सिखाओ। हाँ हाँ गुड़ गुड़ का भी तू मन नहीं गया और से शॉट ये मासी 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 तुम्हारा मोबाइल दाता है सना दाता। मोबाइल एम्पायर ने बहुत ही अच्छा काम किया है, बहुत ही मतलब कलाकृति, और जो है ना आप उन्होंने जो है ना बारीकी से काम किया है। तो खजूर के पेड़ भी है यहाँ पे, गार्डन चारों तरफ है, इस घासों में चलना मना है। आइए दो घंटे से मैं घूम रहा हूँ यहाँ पे, जाने का मन नहीं कर रहा लेकिन भूख भी लगी है। पहले अब बाहर चल के कुछ खाऊंगा, उसके बाद देखते हैं कहाँ जाना है। आइए चलते हैं। जगह जगह बीच बीच में बेंचेस लगे हुए हैं, बेंच में बैठ के आप थोड़ा बहुत आराम कर सकते हैं।